अगर आप वो कोर्सेज कर लेते हैं तो अभी भी आपकी ठीक ठाक नौकरी लग सकती है। जॉब ओरिएंटेड वो कोर्सेज होते हैं और वो सभी कुछ ऐसे टेक्निकल या प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं कि करने के बाद कुछ ना कुछ तो अच्छा आप कर ही लोगे अपने फ्यूचर के लिए। दोस्तों, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स कर आए बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए कर लिया या फिर आपने बीसीए कर लिया, आप भी जानते हैं अभी तक आपको एक अच्छी नौकरी नहीं मिली। मिली भी तो एक साधारण सैलरी की नौकरी मिली और कुछ खास आप सीख नहीं पाए। दोस्तों, अपने देश में हर साल कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी डाउट में रहते हैं कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए या किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो तब तक वो एक एज नहीं रहती स्टूडेंट वाली जिसमें कि वो अच्छे कोर्स को चूज करके अपने फ्यूचरिस्टिक कोर्स कर सके, रेगुलर कोर्स कर सके और आगे कुछ कर पाए, क्योंकि नौकरी करना एक अनिवार्य, एक पहली जरूरत हो जाती है जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। हमने एक वीडियो बनाई थी, इसमें आपको बताया था कि 12वीं के बाद कौन से कोर्सेज आपको जरूर करने चाहिए, जिन कोर्सेज को करने के बाद आसानी से आपकी नौकरी भी लग जाएगी, आसानी से आप कुछ लाइफ में कर भी पाएंगे, और वो सभी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। अगर आप में से भी किसी ने ये गलती की है कि आपने 12th के बाद कोई भी एक कोर्स चूज कर लिया बट वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं था, अभी तक आपकी नौकरी नहीं लगी या फिर आप अभी तक भी सेटल अपने आप को नहीं कर पाए हैं, तो आज अपने इस वीडियो में मैं ऐसे कई सारे कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आप वो कोर्सेज कर लेते हैं तो अभी भी आपकी ठीक ठाक नौकरी लग सकती है। जॉब ओरिएंटेड वो कोर्सेज होते हैं और वो सभी कुछ ऐसे टेक्निकल या प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं कि करने के बाद कुछ ना कुछ तो अच्छा आप कर ही लोगे अपने फ्यूचर के लिए। दोस्तों, हम एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते रहते हैं, अलग अलग कोर्सेज पर रिसर्च करते रहते हैं, अलग अलग कोर्सेज के बारे में एजुकेशन लेते रहते हैं ताकि आपको भी एजुकेटेड बना सके और हम आप तक भी पूरी इंफॉर्मेशन सटीक तरीके से पहुंचा सके ताकि आप अपने फ्यूचर के निर्माण में कोई किसी तरह गलती ना कर सके। बहुत सारे कोर्स के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं अपनी इस वीडियो में, बताऊंगा कौन कौन से जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, किनको करने के बाद आप अभी भी अच्छी नौकरी पा सकते हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे ही आप 12वीं पास करते हैं, जैसे ही अभी आपने 12th अपनी कंप्लीट की, आप देखते हैं बेस्ट ऑप्शंस, देखते हैं बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस जहां से आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है जहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। हम भी आपकी इसमें मदद कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपनी 5 डिटेल्स आपको शेयर करनी है। आप सिर्फ शेयर करते हैं हमें ये 5 चीजें, आपका नाम, आप कहां रहते हैं, 12th आपने कब पास की है, साथ ही कितने परसेंट आपके 12th में मार्क्स आए हैं और अपना फोन नंबर। ये 5 चीजें एक ही मैसेज में लिखकर डाल दें, हो सकता है हम आपको कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस दे सकें या फिर जो भी कोई यूनिवर्सिटी आपने चूज की है उसके बारे में और भी जानकारी आपको मिल सके हमारे द्वारा। डिटेल शेयर करें और अपने हर तरह के सवाल को पूछने के लिए बेझिझक हमें व्हाट्सएप करें। दोस्तों, आप में से जितने भी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, आपको हमने बहुत सारे कोर्सेज और नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के बारे में बताया है, अलग अलग कोर्सेज को एक्सप्लोर भी किया है। क्या अभी तक भी आपकी अच्छी नौकरी नहीं लग पाई है? क्या अभी तक भी आप सही नौकरी के लिए भटक रहे हैं या फिर क्या जो कोर्स आपने किया उससे आप सेटिस्फाई नहीं है? ये गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट से होती हैं। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स ब्रिलियंट होते हैं या फैमिली में कोई बताने वाला होता है या फिर कोई भी पीछे मेंटोर होता है, अच्छा गुरु होता है, वो स्टूडेंट्स भटकते नहीं है, वो सही तरीके से सही बिल्कुल चिड़िया की आंख पर ही तीर मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट उन स्टूडेंट्स का क्या जिनके पीछे कोई मेंटर ही नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं? अगर ऐसा कोई आपकी लाइफ में नहीं है तो हम हैं यहाँ पर आपको बताने वाले। ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करेंगे, सबसे अच्छी बात तो पहले आप ये समझिए, कोई भी एक ऐसा कोर्स आप चूज कीजिए जिसके लिए वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती हो, या फिर कोई भी वो कोर्स कीजिए जो काउंसिल से एफिलिएट करता हो, या फिर आप किसी भी उस कोर्स को कीजिए जिस कोर्स को करने के बाद एक जॉब निश्चित आपको मिल ही जाए। दोस्तों, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स कर आए बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए कर लिया या फिर आपने बीसीए कर लिया, आप भी जानते हैं अभी तक आपको एक अच्छी नौकरी नहीं मिली। मिली भी तो एक साधारण सैलरी की नौकरी मिली और कुछ खास आप सीख नहीं पाए। ये गलती क्यों हुई? गलती इसलिए हुई कि जो आपने कोर्स किया वो जॉब ओरिएंटेड नहीं था। आप क्या करें, अभी भी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज करें। क्या कर सकते हैं आप? बीएड कोर्स कर सकते हैं, आप बीपीएड कोर्स कर सकते हैं, आप बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं। बीएड करने के लिए साधारण कोर्स भी अगर आपने कंप्लीट किए हैं जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी,
बीबीए किया, बीसीए किया, कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन में आपने कोर्स कंप्लीट किया, बीटेक ही क्यों ना किया हो आपने, आप सीधा बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप बीपीएड का चयन कर सकते हैं। जितने भी पीटीआई बनते हैं, स्पोर्ट्स टीचर बनते हैं, वो टीचर बन जाएंगे आप, या फिर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन का चयन करें। जो फिजिकली जो चैलेंज्ड बच्चे हैं या मेंटली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है इस कोर्स को करने के बाद। अब मान लीजिए कि आपका रुझान है कानून की तरफ, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं या फिर लॉ की एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप एलएलबी कर लो, 3 साल की एलएलबी हो जाएगी आसानी से। जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 3 साल की एलएलबी आप कर सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कॉलेजेस आपके आसपास होंगे, आप 3 साल की एलएलबी आप कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं, मैं कोई कोर्स बदल लूं या छोटा कोर्स करना है, पीजीडीसीए कोर्स कर लो, 1 साल का होता है पीजीडीसीए कोर्स, या फिर छोटे छोटे कोर्सेज जो 1 साल के डिप्लोमा होते हैं आप वो सब भी कर सकते हो। पर मैं तो आपको यही कहूंगा कि कोई भी काउंसिल कोर्स करके, जॉब ओरिएंटेड जो भी कोर्स हो, उस कोर्स को करके अच्छी नौकरी की तरफ आप अपना कदम बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी नौकरी मिल भी पाएगी और आप अपने आप को सेटल अच्छे से कर भी पाएंगे। अब मान लीजिए आपको टीचर नहीं बनना, या फिर आप चाहते हैं आप, मैं लॉ भी नहीं करना, मैं लॉ में नहीं जाना चाहता, तो अभी भी आप बी फार्मेसी का जो 12th के बाद एक कोर्स होता है 4 साल का, आप वो कर सकते हैं। वो कोर्स बहुत अच्छा एक कोर्स है, मेडिसिन की पूरी एजुकेशन आपको मिलती है। या फिर आप एमबीए कर लीजिए या एमसीए कर लीजिए। एमबीए और एमसीए करने के बाद इतनी अच्छी नौकरियां आजकल मिलती नहीं है, क्योंकि बीटेक जिस तरह से फ्लॉप हो गया, उसी तरह से एमबीए भी फ्लॉप हो गया। या फिर और कोई काउंसिल कोर्स जिस कोर्स को करने के बाद आपको लगता है, जैसे बीलिस आप कर सकते हैं, लाइब्रेरी कोर्स जो आता है, बहुत सारी वैकेंसीज अक्सर इसकी आती रहती हैं, ज्यादा कोई टेन्यूअर भी नहीं है इस कोर्स का, ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। हालांकि आपने अगर बीए बीकॉम किया है या बीएससी किया है, बीबीए किया, बीसीए किया, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो। आपने बीए किया तो एमए कर लो, बीकॉम किया तो एमकॉम कर लो, बीसीए किया एमसीए कर लो, बीबीए किया तो एमबीए कर लो। पर जब आपकी बीबीए करके ही नौकरी नहीं लगी, तो आपको क्या लगता है कि एमबीए करके आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी? जहां आपकी बीए करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं लगी, आपको लगता है कि मैं एमए करूंगा मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी? दोस्तों, आपको अपनी स्ट्रीम, अपना फील्ड बदलना होगा, क्योंकि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, क्योंकि आप स्किल्ड नहीं है। जब तक आप स्किल्ड नहीं होंगे, तब तक अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, और बिना स्किल्ड के, और जब तक आपके अंदर स्किल नहीं है कोई चीज करने की, मान लीजिए कि आपने पीजीडीसीए कोर्स किया नौकरी के लिए, कर तो आपने लिया, आप सोच रहे हैं गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है ही, तो प्राइवेट में ही आप इतना अच्छा नाम कमा सकते हैं कि आपको किसी सरकारी नौकरी की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर स्किल्ड हैं तो आपको किसी भी सरकारी नौकरी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, खुद कंपनीज भागकर आएंगी और आपको हायर करेंगी जहां भी इंटरव्यू होगा। प्राइवेट नौकरी में क्या होता है, किसी को भी ये चाहिए अपना स्टाफ कि वो अकेला एक आदमी 4 का काम कर सके, और अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो आपकी कंपनी आपको वो सैलरी देगी भी नहीं। अपने आप को स्किल्ड बनाओ दोस्तों, मैं आप सभी को बोलता हूं, अपने आप को स्किल्ड बनाओ, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। अच्छा गुरु बनाओ जो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली बता सके कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना। समय जो बीत गया, समय जो बर्बाद हो गया, वो वापस नहीं आएगा। अभी आपके पास समय है जीवन में कुछ करने का, वरना आप बहुत लेट हो जाओगे। एक वक्त के बाद आप सिर्फ और सिर्फ पछताओगे कि काश मैं कुछ स्किल्ड कर लेता, अपने आप को स्किल्ड बना लेता और कुछ ना कुछ अच्छा कर लेता। अगर आप स्किल्ड हो तो आप एब्रॉड जा सकते हो, आप कनाडा चले जाओ, आप यूएस चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूके चले जाओ, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने वीडियोस बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि आप अगर सिंगापुर जाना चाहो, सिंगापुर आप जा सकते हो, वहां पर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में भी आप अगर जाओगे तो भी स्किल्ड होना पड़ेगा आपको। जब तक आपको अपने फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होगी, तब तक कोई कोर्स किसी काम का नहीं। आपको जो भी कोर्स करना है अपनी आफ्टर ग्रेजुएशन, मैं आपको एडवाइस करता हूं और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं, कहीं आप अपने जीवन को दांव पे ना लगा दें, स्टेक पे ना लगा दें, आप कोई भी स्किल्ड कोर्स कीजिए, कोई भी कोर्स कर लीजिए, बहुत सारे कोर्स मिलेंगे। उस कोर्स के लिए पहले रिसर्च कीजिए, आपने पहले क्या किया है उससे ही रिलेटेड कोई कोर्स मिलता है। आपने पहले अगर किया है, मान लीजिए कोई भी कोर्स आप करके आए हैं, बीबी करके आए हो, आपको लगता है कि मैं एमबीए कर लेता हूं, एमबीए इन टूरिज्म कर लेता हूं और मुझे इसमें बहुत अच्छे स्कोप नजर आ रहे हैं, तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि नौकरी उससे कैसे मिलेगी।
दोस्तों कुछ सीखने का, कुछ जानने का, समझने का, पढ़ने के लिए एक जीवन में एक एज होती है। पूरी जिंदगी आप नहीं पढ़ सकते, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। जैसे मैं आज भी पढ़ता हूं, मैं डेली का, अपनी जिंदगी का डेली का 3 से 4 घंटे का समय पढ़ाई के लिए निकालता हूं। क्यों निकालता हूं? क्योंकि देखिए, धन शक्ति के अधीन होता है और शक्ति अधीन होती है बुद्धिमानी के, और बुद्धिमानी पढ़ने से नहीं आती है, बुद्धिमानी चीजों को समझने से आती है। जब आप चीजों को समझना शुरू करेंगे, 2+2=4 तो है, ये सबको पता है, पर वो है क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। बुद्धिमान बनिए। बुद्धिमान नहीं बनेंगे तो कोई भी आप कोर्स कर लो, किसी काम का नहीं, ना तो आपका कहीं सिलेक्शन होगा, और अगर सिलेक्शन हो भी गया तो वहां पर अगर 100 लोगों का स्टाफ है तो 100 में से पहले नंबर पे आप होंगे, आप 100 की गिनती में कहीं काउंट भी नहीं होंगे। मतलब कि मैं कह रहा हूं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे आप, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगे। बेहतर है स्किल्ड बनाइए, स्किल्ड कोर्स कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद कुछ भी करो, कोई भी कोर्स करो, स्किल्ड करो जिसमें आपको नॉलेज हो। और अगर आप खुद पहले से ही स्किल्ड हो तो अपनी नौकरी पर ध्यान दो या अपना कुछ करने पर ध्यान दो, फिर खामखा पढ़ाई में अपना वक्त और खराब मत करो, क्योंकि आप एजुकेशन तो डिस्टेंस से भी ले सकते हैं, तो रेगुलर पढ़ने की जरूरत ही क्या है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आज आपको बताया है वो सब आपको समझ आया होगा, किस कोर्स के बारे में, किस यूनिवर्सिटी के बारे में, किस कॉलेज के बारे में या किस कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछे या कोई पर्सनल चीज आप जानना चाहते हैं, हमें आप व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई उसका जरूर करेंगे। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को एजुकेशन रिलेटेड अपडेट रख सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।